रात से दोस्तों इतनी ज़्यादा फोग है ना, और अभी तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम है और बिल्कुल भी फोग कम नहीं हुई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फोग की वजह से दोस्तों इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, और सर्दी की वजह से मैंने अभी तक अपने ना ही परिंदों को दाने डाले हैं और ना ही मुर्गियों को। अभी सबसे पहले चल के ना अपनी सैंडी को खाना डाल देते हैं, क्योंकि जूली को मैंने सुबह जल्दी खाना डाल दिया था, और अभी चल के सैंडी को डालते हैं, फिर मुर्गियों को डालेंगे और फिर परिंदों को। और जूली अभी इधर आ गई थी, किधर गई है? इधर मुझे लगता है इधर चली गई है। जूली ये देखें, जूली आ गई है। जूली अपना ना खाना खा चुकी है। जूली बैठ जाओ, क्या हो गया है? ये देखें, इसका दोस्तों दिल कर रहा है कि मेरे साथ ना अभी खेला जाए, लेकिन अभी मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा। सबसे पहले चल के ना सैंडी को खाना डालते हैं और मैं उसका लेके आता हूँ खाना। दूध ले आई हूँ दोस्तों मैं, और आज से ना नहीं, आज से नहीं, कल से, बल्कि कल से मैं ना सैंडी को ना दूध में ये रोटी भी डाल रहा हूँ, और अभी मैं इसको डालता हूँ। देखें बोलना शुरू कर दिया इसने, इसको ना मेरी आवाज़ आ गई है, इसको पता चल गया कि ना अभी मुझे खाना डलेगा। अभी ना मैं रोटी तोड़ के ना इस बर्तन में डाल देता हूँ। सैंडी का दोस्तों नाश्ता तैयार हो चुका है, इधर मैं रख देता हूँ, अभी सैंडी को लेके आता हूँ। इधर दोस्तों सैंडी बंद है, अभी मैं ना इसको बाहर निकाल देता हूँ, ये सीधी उधर चली जाएगी, इसको पता है कि मेरा खाना ना उधर। ये देखें अभी मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ। सैंडी पहुँच गई है दोस्तों अपने खाने पर, और देखें इसने ना इतना जल्दी ना ख़त्म भी कर दिया, बस थोड़ा सा रह गया है, और अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो गई है। इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, वैसे है भी आजकल ठंड, और बस थोड़ा सा रह गया है, 1 मिनट से भी जल्दी ना ये अपना खाना ख़त्म कर देती है। बस ये खा ले, फिर इसको वॉक करानी है, और उसके बाद ना मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा टाइम खुली रहे ना फिर ये तंग करती है बहुत ज़्यादा। सैंडी खा चुकी हो? इधर दोस्तों सैंडी वॉक कर रही है, और अभी ये अंदर चली जाएगी। नहीं अभी मैं इधर ही हूँ ना, और देखे सामने बैठ गई है, गुस्से से देख रही है। सैंडी आ जाओ, और ये देखें आ गई है, और देखें फिर ये मेरे ना मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है। बस थोड़ा सा टाइम ये दोस्तों वॉक कर रहे ना, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। और इधर ही दोस्तों आजकल ना मैं अपनी गायों को बांध रहा हूँ, और अभी धूप भी नहीं निकली, इसी वजह से ना मैंने गायों को भी अंदर ही बांधा हुआ है। अभी मैं उनको ना बाहर शेड से नहीं लेके आया, और बकरियाँ भी अभी तक ना उधर ही हैं, गायों के साथ बंधी हुई होती हैं, और उनको भी अभी तक मैं गोट फार्म में नहीं लेके गया, क्योंकि आज फोग की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अभी बस थोड़ी देर तक सैंडी को बंद करते हैं, फिर मैं ना गायों को भी बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि आज मुझे लगता है धूप बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्योंकि फोग इतनी ज़्यादा, धूप ने फिर क्या निकलना है। और ये देखे इधर बैठ के ना मुझे देख रही है। सैंडी आ जाओ। सैंडी का दोस्तों मैंने ना आज इधर ही बिस्तर लगा दिया, क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसी वजह से ना आज इसको मैं शेड में ही रखूँगा। और अभी ये किधर चली गई है? इधर थी, मुझे लगता है उधर चली गई है। दिन ब दिन दोस्तों सैंडी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है ना, इसको पता चल जाता है कि अब ये ना मुझे बंद करने देगी, इसी वजह से ये भाग जाती है। लेकिन इसको मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम खुला रखता हूँ, लेकिन ये फिर भी ना जैसे ही मैं इसको बंद करने लगता हूँ ये भाग जाती है। और अभी पता नहीं किधर गई, ये देखें इधर खड़ी है सैंडी। सैंडी और ये अंदर चली गई है, उधर गायें भी बंधी हुई हैं, और ये कोई ना कोई जाके ना शरारत करेगी। मैं जाऊंगा, इसने फिर बिल्कुल ही नहीं आना अभी आज। सैंडी और अभी बकरियों की तरफ चली गई है, वो सामने खड़ी है। और आज दोस्तों लाइट भी नहीं है, और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ है। आ जाओ मेरे पास, अभी मैं तुम्हें उठा के ले जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये तेज़ हो गई है। सैंडी चलो अब इधर आराम से तुम ना सुकून करो और बैठ जाओ। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि अभी तक ना मैंने सैंडी को जूली से भी नहीं मिलवाया, क्योंकि मुझे पता है जूली ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है, और ये ना हो कि वो सारा गुस्सा अपना ना इसके ऊपर उतार दे। कुछ टाइम बाद ना मैं इसको जूली से भी मिलवा दूँ, और अभी दोस्तों मैं ना गायों को भी बाहर निकाल देता हूँ, और बकरियों को ना गोट फार्म में शिफ्ट कर देता हूँ, और वो बोल भी रही हैं, क्योंकि धूप ने तो निकलना नहीं है, और इसी वजह से धूप का भी इंतज़ार भी नहीं कर सकते, अभी इनको ना बाहर बांधते हैं। बकरियों के लिए दोस्तों मैंने चारा डाल दिया है, और अभी ना बकरियों को मैं खोल देता हूँ, और गायों को मैं पहली बार बांध रहा हूँ, और अभी इनको मैं खोलता हूँ, ये सीधी चली जाएंगी अपने चारे पर। ओहो क्या हो गया, आराम से चलो चलो तुम भी। सीधी चारे पे आई हैं अभी ना, इनको मैं बंद कर देता हूँ। परिंदों के लिए दोस्तों मैंने दाने डाल दिए हैं, अभी बस मुर्गियाँ रह गई हैं, उनको भी जाके डालता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ना धुंध कम हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अभी मुर्गियों को दाने डालते हैं, और माशाल्लाह से सब्ज़ी की भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है,
लेकिन अभी तक ये ना मूलियाँ तैयार नहीं हैं इनको ना, अभी मुझे लगता है कि 5-6 दिन लगेंगे, तकरीबन 1 वीक लग ही जाएगा, और शलजम को भी, और ये जो गाजरें हैं इनको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी देखिए माशाल्लाह से फूल भी कितने ज़्यादा खिले हुए हैं, ये सारे इधर पहले ही जमा हो गए हैं। इस दरवाजे को मैं खोल लूँ, अभी उधर चले जाएंगे ना, अभी इनको मैं दाने डालता हूँ इधर से, खाओ आगे। बर्तन में दोस्तों मैं इस वजह से नहीं डालता क्योंकि ना ये लड़ना शुरू हो जाते हैं बर्तन में से ना, ये देखें ये बदमाश मुर्गा किस तरह ना मार रहा है इन सब को। और पानी भी अभी इनको ला के डालना है, इनको इधर मैं पानी ये रख देता हूँ, और बजीज भी रहते हैं इनका भी, इधर मैंने पानी डाल दिया है, इनको भी मैं ये पानी डाल देता हूँ। सैंडी देखें शोर कर रही है, और बजीज इधर बैठे हुए हैं, बाकी तो मटकियों में गए हुए हैं, 3 ही हैं बाहर बस, हाँ जी 3 हैं, बाकी मटकियों में बैठे हुए हैं। अभी केज को भी बंद कर देता हूँ। और आज दोस्तों एक गुड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी टाइम पहले ना मैंने मुर्गियों के ना 2 सेटों का बोला था, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो आ भी गए हैं, उसमें टोटल जो मुर्गियाँ होंगी ना वो मुझे लगता है 13 या 14 होंगी, और थोड़ी देर तक मैं जाता हूँ उनको भी लेके आता हूँ, फिर ना उनको अपने इस मिनी हैंड फार्म में छोड़ेंगे। और मिनी हैंड फार्म को बनाया ही मैंने देसी मुर्गियों के लिए था, और वो सब मिली नहीं थी, इसी वजह से ना मैंने इन सब असील को इधर छोड़ दिया था। और थोड़ी देर तक मैं जाता हूँ और इंशाल्लाह से ना लेके आता हूँ, बहुत जल्द मैं जा रहा हूँ अभी, और फिर लेके आता हूँ और उनको फिर इधर छोड़ते हैं। गायों को मैंने ना पहले ही बाहर निकाल दिया था, और अब ना थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकलना शुरू हो गई है, वो उस तरफ से थोड़ी थोड़ी सी महसूस हो रही है, और फोग जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़ी थोड़ी सी रह गई है वो दूर दूर, बाकी इधर तो अब सब चीज़ें ना क्लियर नज़र आना शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों मुर्गियों को मैं ले आया हूँ, और अभी घर पहुँचा हूँ, और ना 2 सेट हैं, और इस कार्टन में बांधना है, 6 इसमें हैं और 6 इसमें। अभी ना इनको मैं बाहर निकालता हूँ और मिनी हैंड फार्म में छोड़ता हूँ, जाते हुए ना मैं इसकी सफाई कर गया था, और ये अभी भी अंदर है, बाहर आ जाओ, जाते हुए मैं ये सीलों को निकाल गया था, ये मुझे लगता है अभी अंदर गई है, बाहर आओ, बाहर आ जाओ। और ये दोस्तों सील जितने भी हैं ना, इधर 6-7 ये सील बांधते हैं, चूजे और बड़ा मुर्गा और 2 मुर्गियाँ थी, और इन सब को ना मेरा दिल है जो बाहर 2 केज बने हुए हैं ना उधर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि ये है भी 6-7 और ये 12 हैं, ये इनसे ज़्यादा तादाद में, इसी वजह से ना इनको मैं इधर मिनी हैंड फार्म में ना शिफ्ट कर देता हूँ। और अभी इनको उतारता हूँ एक एक कार्टन को, दोनों कार्टन दोस्तों मिनी हैंड फार्म में आ गए हैं, अभी ना मैं इनमें से मुर्गियों को बाहर निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र करके आई हैं। सबसे पहले इस वाले कार्टन को मैं खोलता हूँ, ये देखे इसमें कितनी है, इसमें 6 हैं और इसमें भी 6 ही हैं, और ये देखे माशाल्लाह से है भी बहुत ज़्यादा प्यारी, और ये फुल ब्लैक कलर में एक मुर्गा है और 5 मुर्गियाँ हैं, इधर भी ये वाला मुर्गा है और बाकी सारी मुर्गियाँ, और ये देखें इतने शरीफ हैं बाहर ही नहीं आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये ना असील के साथ रह रहे के उनको देख के ना ये भी बहुत जल्द ना तेज़ मान जाएंगे। ये देखें अभी ना उठना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगी, कुछ दोस्तों बाहर आ गई हैं और बस थोड़ी सी रह गई हैं, इनको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, चलो 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 चलो, सारी मुर्गियाँ दोस्तों कार्टन में से बाहर आ गई हैं, और देखें 2 अंदर भी चली गई हैं, इनको मुझे लगता है मिनी हैंड फार्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और अभी इनको मुर्गियाँ तो नहीं बोल सकते लेकिन चूज़े बोल सकते हैं, ये दोस्तों बहुत ही ना अभी छोटे छोटे हैं, इतने ना छोटे हैं ना ही इतने बड़े हैं, दरमियाना साइज़ है इनमें, ये मिडल में आते हैं मुर्गियों में, और ना अभी ये इधर घूम रहे हैं। थोड़ी देर तक मैं इनको दाने शाने डाल दूंगा, अभी मैं इनको दाना पानी नहीं डालूंगा, पानी तो इनको पहले ही डला हुआ है, और बाकी ये बाहर देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम बाहर आ गए और ये न्यू मुर्गियाँ अंदर आ गई हैं, नहीं न्यू मुर्गियाँ नहीं न्यू चूज़े अंदर आ गए हैं, अभी बाहर ही चलते हैं, कार्टन वगैरह मैं बाहर ले जाता हूँ, दरवाज़ा में इनका ये बंद कर देता हूँ ताकि ना ये अंदर ना जाएं, इनके काम चेक करें ये फुल गुस्से में है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।